ओम शांति। 28 अगस्त 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न: जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनके निशानी क्या होगी? उत्तर: वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत: तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्होंने भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना? परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे, बरोबर यह खुशी की बात है ना? कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतु होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है,
बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतो हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतो करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी हैं, मन मनाभव अर्थात हे आत्माए मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्कर लगाया है, चक्कर लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का सन्यास, उन्हों का है हद का सन्यास, घर भार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र हैं वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंच ते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं, जहां बाप रहते हैं वहां है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं अतः। आज क्या है कल क्या होगा, आज कलयुग का अंत कल होगा सत्युग का आदि, रात दिन का फर्क है ना। कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन फिर रात। दिन में है देवताए, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण, इस संगम युग का किसको पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो घोर सोचरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वह हमारी राजाई कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से,
रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्धि कैसे हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है, बाबा को लिखते हैं। बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत हैं जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं। तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी है। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फेर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। अब है आत्माए श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिटखिट की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं।
खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे? वह तो है निराकार, किसको पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। यह तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है, फिर रजो तमो, श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में भी क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर विनाश कर देते, 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, इसमें फायदा कुछ नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो यह सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल न जाओ, सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है भारत परिस्तान था, जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, यह क्या बाप की अबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मोह करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से
श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कॉमन बात है। देखते हो, महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरे तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। कुछ भी समझते नहीं। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से। बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता, यह तो इम्पॉसिबल है। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहां ही जाता है हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर। नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुक तो करने हैं। वरदान निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा।
ओम शांति।